दोस्तों आपने आज तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हुए देखे होंगे, लेकिन इन भाई साहब के दिमाग में तो और कुछ ही चल रहा है। इनका नाम है रिक मैसविलेन। इन्होंने अपने हाथ और पैरों को हथकड़ियों से बांधकर वॉशिंग मशीन में जाने का फैसला किया और बिना किसी की हेल्प के हथकड़ियां खोलकर बाहर आने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। लेकिन इस स्टंट में इन्हें वॉशिंग मशीन में घूमते हुए हथकड़ियां खोलनी थी और इस स्टंट में इनके ऊपर काफी सारा क्लीनर और वॉशिंग पाउडर भी डाला जाना था, जिससे कि इन्हें हथकड़ियां खोलने में और ज्यादा परेशानी हो। और काफी समय वॉशिंग मशीन में घूमने के बाद इन्होंने आखिरकार अपनी कड़िया खोली ली और वॉशिंग मशीन से बाहर आ गए। और दोस्तों आपने काफी सारे सर्फर तो देखे ही होंगे जो कि समुद्र के किनारे पर सर्फिंग करते हैं, लेकिन ये भाई साहब थोड़े अलग हैं क्योंकि ये सुनामी की लहरों के ऊपर सर्फिंग करते हैं। और इन्होंने एक 100 फीट ऊंची सुनामी की लहरों के ऊपर सर्फिंग करके अपना ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टुडे क्वेश्चन, दुनिया की पहली वॉशिंग मशीन किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी? जब यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।